से अभी एनएस शिफ्ट किए हैं, एटीएम से पैसा निकाल लिए हैं और गाड़ी भी पूरा शुरू कर दी है। सोचो कि आगे वाला जो अटाची थी उसकी जो पेट्रोल पंप पे हमारे जो गाड़ी है उसको थोड़ा रुकाने कीजिए, उसके बाद जाएंगे। अभी हम लोग का मेन स्टोरेज चालू होगा जो कि अभी खूंटी पे घुस चुके हैं। वेदर भी बहुत अच्छा जगह अच्छे से आया हुआ है। हम लोग जा रहे थे कि अगर बारिश ना हो, क्योंकि अगर बारिश होगा तो हम लोग बचा तो नहीं जा नहीं पाते, जा तो पाते लेकिन वो मजा नहीं आता। बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो फाइवर कंपनी भी है दूसरी जगह पे। Oh,
Looking like Skybree, she got a body, ayy. And she been calling me daddy lately. Want me to put her in Cartier's, and the bitch deserve it. Put in work for the money she earn it. Give me top every night, lip service. Now I gotta block these hoes, she worth it. I'm out in Abu Dhabi with a bad bitch, look like Skybree, ooh. Right beside me, with a phantom off that molly, yeah, yeah. Abu Dhabi with a bad bitch, look like Skybree, ooh. Right beside me, with a phantom off that molly, yeah, yeah. Abu Dhabi with a bad bitch, look like Skybree, ooh. Right beside me, in the phantom off that molly, yeah, yeah. Abu Dhabi, with a bad bitch, look like Skybree, ooh. Right beside me, in the phantom off that molly, yeah, yeah. Shorty a dancer, with her OnlyFans, got her bands up. She independent, got a Lamb truck, don't need no man, but I'll man up for that, ooh. Put it on camera, she a freak, nothing I can't handle. When I'm pulling up in that phantom, I got a pussy wetter than Niagara. Bitch, I'm a dog, I'm with the leash. Ain't no one holding me back, I'm a beast. Showing them off, all of my teeth. None of them fucking with me in these streets. हम लोग धुरा डैम आ गए हैं, थोड़ा सा भैया लोग जो है थोड़ा अपना थोड़ा फ्रेश हो जाता है उसके बाद। तो गाइस इस साइड पूरी फुल वाटर है और इस साइड पूरी लैंड, आई मीन पूरी ग्रीनरी, और उधर साइड आपको JSC स्टेडियम मिलेगी जो कि धोनी ने शायद इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के साथ IPL मैच खेला था इधर, तो इस साइड पे है। और बगल पे ही जगन्नाथ मंदिर है जो कि फेमस है, वो भी टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस है। हैव बीन देयर, जब आप अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते तो मैंने एक अभी रिसेंट में रथ यात्रा मेला था तो उसमें मैंने गया था थोड़ा। तो या चीज़ें बहुत अच्छा है और अभी आई गेस एज पर मेरे अनुमान से शायद अभी 32 डिग्री सेल्सियस चल रहा होगा। और इस जगह पे शाम के टाइम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, बिकॉज़ यहाँ पे क्या होता है कि इवनिंग में जब उधर सनसेट रहती तो यहाँ पे जब एकदम पूरी काम ब्रीज चलता है तो या वाटर के साथ खेलने में यू नो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और इधर आपको पूरी की पूरी ग्रीनरी मिलेगी अगर आप मुझे बैकग्राउंड पे देख रहे होगे तो। आई गेस 10 मिनट्स 11 किलोमीटर है। तो ये जो जो रास्ता है वो थोड़ी यू नो ट्विस्ट एंड टर्न वाली है, तो कुछ ज़्यादा आपको अभी ऐसा नहीं मालूम चलेगा क्योंकि जब आप हम टॉप व्यू दिखाएंगे तब आपको मालूम चलेगा कि कैसा ट्विस्ट एंड टर्न है, जैसे पूरी जिलेबी टाइप की। तो ये जो है वो थोड़ी माउंटेन्स रेंज का है तो, और थोड़ा हिली एरिया भी है तो इसी वजह से फेमस है। और यहाँ का जो वेदर है, जहाँ मेरे होम टाउन से मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ग्रीनरी है और हल्का फुल्का लाइक ठंड है, यू नो उतना। अभी गर्मी में तो 31 डिग्री सेल्सियस चल रहा है बट यहाँ पे अभी उतनी लाइक आई गेस 27-28 ऐसे डिग्री सेल्सियस है। बाकी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, रोड भी बहुत ही तगड़ा है और बहुत ही ज़्यादा हाई माउंटेन्स है।
अगर आप मेरे पीछे बैकग्राउंड पर देख रहे होंगे तो आपको देखने को मिल रहा होगा। तो पतरातू वैली आ गए हैं और आज संडे है तो इसी वजह से काफ़ी भीड़ पड़ी हुई है जैसे आपने वीडियो पे देखा हुआ था। और अभी हम लोग गाँव लेके जा रहे हैं, अभी और नीचे जाना है। इस लाइक जिलेबी टेक की रोड है गुल गुल। डैम के लिए फेमस है और आप इस जगह पे जो देख रहे हो यहाँ पे बोट राइड। और अभी तक तो बोट राइड ही होता है जहाँ तक मुझे लगता है। और अभी हम लोग पतरातू के जो साउथ साइड है उस जगह पे हैं। और ये कुछ धुरवा से ही मिलता जुलता है, बट वहाँ धुरवा में क्या होता है कि धुरवा डैम पे वहाँ पे बोट राइड सब नहीं होता है, यहाँ पे बोट राइड होता है। सो अगर आप माउंटेन लवर हो तो आपको पतरातू वैली के
के लिए आपको ट्रैकिंग करना पड़ता है और ट्रैकिंग के बाद आपको पतरातू वैली मिलेगा। तो फिर आप उधर से सीधे इधर हजारीबाग वाले रास्ते पे आओगे तो आपको एक डैम मिलेगा जो कि है वहाँ पे होटल और टूरिस्ट लोग के लिए, ट्रैवलर लोग के लिए है होटल और रेस्टोरेंट भी है जो जहाँ से आप खाना खा सकते हो। और ये बड़े बड़े पत्थर